सो गाइज़, मैं अपने कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था यूट्यूब वीडियोस के, एंड मुझे उसमें से एक कमेंट मिला जिसमें एक बंदे ने मुझे पूछा था कि मैं अपनी यूट्यूब के थंबनेल्स कैसे बनाता हूँ। वेल गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही बात करने वाला हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल्स कैसे बनाता हूँ। वैसे तो मैं उसको रिप्लाई भी कर सकता था, बट मैंने सोचा कि गाइज़ आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाऊँ, ताकि मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आप लोगों को कुछ आइडियाज़ मिलेंगे ज़रूर अपने थंबनेल्स को बनाने के लिए, एंड आपको डिफिकल्टी भी नहीं आएगी आज इस वीडियो को देखने के बाद में। सो गाइज, इसलिए गाइज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने रहना है। एंड गाइज, मेरा नाम मोहसिन खान है, आप देख लो बेस्ट रिव्यूज यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। स्टेप वन, क्रिएटिंग माई यूट्यूब थंबनेल्स बिफोर रिकॉर्डिंग माई यूट्यूब वीडियोज। वेल गाइज, मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज की जो थंबनेल्स होते हैं इनको बहुत ही पहले बना के रखता हूँ, यानी कि बहुत एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पहले मैं अपनी वीडियोज़ की जो थंबनेल्स होते हैं इनको बना के रखता हूँ अपनी वीडियोज़ को रिकॉर्ड भी करने से पहले। इसका क्या रीज़न है, देखो जब मैं इनको पहले बनाता हूँ ना, इससे गाइज क्या होता है, मेरे पास में काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी तो एडिट करने की टेंशन नहीं, एडिट नहीं करी तो अपलोड करने की भी टेंशन नहीं, तो मैं आराम से फ्री रहता हूँ और मैं अपना थंबनेल को आराम से बहुत सारे एलिमेंट्स लगा के निकाल के अलग अलग चीज़ें ट्राई कर करके उस थंबनेल को कम्प्लीटली बना सकता हूँ। एंड ऐसे में गाइस क्या हो जाता है, वो थंबनेल अच्छा भी बनता है क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाया थंबनेल को बनाने में। एंड साथ ही साथ में जैसे मान लो मुझे कोई दूसरा काम आ गया तो मैं थंबनेल को आधा छोड़ के भी जा सकता हूँ। बट कई लोग ऐसा होते हैं जो लोग अपनी वीडियोज़ को अपलोड करते टाइम अपना थंबनेल बनाते हैं। भाई क्यों, लिटरली गाइज मैं भी पहले ये करता था, एंड मुझे यार वो टेक्निक बड़ी बेकार लगने लगी अभी। सीरियसली मैंने भी पहले गाइज ऐसा ही करता था, मैं अपने यूट्यूब वीडियोस को एडिट वगैरह करके जब उन्हें अपलोड करता था उस टाइम में थंबनेल बनाता था, जिससे गाइज क्या होता था जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी थंबनेल बन जाता था। सीरियसली बता रहा हूँ ये, इससे गाइज क्या होता है आप लोगों को गाइज उस टाइम क्या होता है कि जल्दबाजी में आप लोग कैसा भी थंबनेल बना दे, क्योंकि वीडियो तो अपलोड हो रही है अभी, वो वीडियो अपलोड होते हो तो अगर आप थंबनेल बनाने जाओगे तो यार आप बोलोगे ना टाइम लगा, जल्दबाजी में आप कोई भी थंबनेल बना पाओगे, आपके पास ये टाइम थोड़ी होगा कि यार नहीं ये काम करो, ये लगा दो, वो निकाल दो, ये लगा दो, आपके पास कुछ टाइम ही नहीं होगा, आप कैसा भी उल्टा सीधा थंबनेल बना दोगे। एंड जिससे गाइस थंबनेल काफ़ी अनप्रोफेशनल बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, थंबनेल बनता ही नहीं है वो। इसलिए गाइस मैं अपने थंबनेल्स को बहुत ज़्यादा पहले बनाता हूँ अपनी यूट्यूब वीडियोज़ को रिकॉर्ड भी करने से बहुत पहले। लिटरली गाइज ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये टेक्निक आप लोग भी यूज़ करो, बहुत अच्छी टेक्निक है। बट गाइज अगर आप लोग गेमर्स वगैरह हो तो यार गेमर्स का क्या रहता है ना, अभी गेम्स रिकॉर्ड जब करोगे उसी के बाद तुम थंबनेल बना पाते हो, क्योंकि तुम्हें थोड़ी पता है तुम गेम में क्या होने वाला है भाई, वो तो ऑटोमेटिक नेचुरली तुम्हें पता चलता है ना। बाकी गाइज अगर तुम लोग बना सकते हो ना, ये स्टेप को ज़रूर फॉलो करना, बहुत ही अच्छा स्टेप है। अब मैं बताता हूँ आपको स्टेप नंबर टू। सो स्टेप नंबर टू गाइज ये है कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के जो थंबनेल्स होते हैं इनको टाइटल के साथ में कनेक्ट करता हूँ, यानी कि गाइज कोई भी थंबनेल है तो जिस भी वीडियो का थंबनेल है उस वीडियो के थंबनेल और टाइटल दोनों को मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता हूँ। जैसे कि गाइज आप इस वाले एग्जांपल में देख लो, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा इस वीडियो का जो टाइटल है ये है हाउ टू क्रिएट अ थंब कस्टम यूआरएल फॉर योर यूट्यूब चैनल। एंड यहाँ पे जो थंबनेल है इसमें आपको दिख रहा होगा मैंने बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन दिखाया हुआ है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा मैंने दो स्क्रीनशॉट भी डाले थंबनेल में, जिसमें मैंने अपने चैनल की एक पुरानी लिंक जो यूट्यूब ने बनाई थी एंड मैंने उसको कैसे कन्वर्ट कर दिया अपने चैनल की एक नई लिंक में, जिसमें मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है आगे। तो अब लोग गाइज ये बात जानते हैं कि यार हम लोग अपनी यूआरएल को ऐसे बना सकते हैं, बट वो कैसे बना सकते हैं वो वीडियो देख के जान लेंगे। बट लोग इस बात को तो जानते हैं कि गाइज कोई यूआरएल होती है जिसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपने यूट्यूब के आगे आकर अपने चैनल का नाम लिख देते तो हमारा चैनल यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, है ना। बट गाइज आप क्या गारंटी दे सकते हो कि हर बंदे को पता होगा कि इस यूआरएल को हम कस्टम यूआरएल बोलते हैं। मैंने तो टाइटल में ये लिखा है ना कि मैं हाउ टू मेक अ कस्टम यूआरएल फॉर योर यूट्यूब चैनल, अगर मैं थंबनेल में भी सेम टाइटल को ही लिख देता तो इससे गाइज क्या होता है लोग समझ नहीं पाते कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एंड वो मेरी वीडियो को छोड़ देते। बट जिन लोगों ने टाइटल पढ़ा कि हाउ टू मेक अ कस्टम यूआरएल फॉर योर यूट्यूब चैनल, वो लोग समझ गए कि जो लोग रीड करेंगे कि यार हाउ टू मेक अ कस्टम यूआरएल फॉर योर यूट्यूब चैनल, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाएंगे कि यार कस्टम यूआरएल है क्या, तो वो मेरे थंबनेल को देख के समझ जाएंगे एंड वो मेरी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइस ऐसे मैंने इससे क्या करा, मैंने अपने टाइटल को अपने थंबनेल के साथ कनेक्ट कर दिया। तुम ये भी कह सकते हो थंबनेल को टाइटल के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जैसे मान लो किसी ने खाली थंबनेल देखा इस वीडियो का, बाद में टाइटल पड़ेगा ना, क्योंकि यार उसको समझ में थोड़ी आएगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए वो टाइटल भी पढ़ लेगा। तो इससे जो लोग हैं वो समझ जाएंगे मेरी कंप्लीट चीज़, समझ जाएंगे कि मैं क्या बताऊंगा इस वीडियो में एंड वो मेरे वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। इससे आप लोग भी अपने यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल्स बना सकते हो, ऐसे कनेक्ट करो अपने टाइटल्स को अपने थंबनेल्स के साथ में, एंड मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आप लोगों को लिटरली बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है अपने चैनल के ऊपर। तो गाइज इसीलिए गाइज इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर अपने यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर काम में लेना।
ये ट्रिक भी गाइस बहुत अच्छी, मैं इसको यूज़ करता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। क्योंकि गाइस इससे क्या होगा, आप लोग अगर अपने यूट्यूब वीडियोस को अपने थंबनेल्स के साथ में कनेक्ट, यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल्स अपने टाइटल के साथ में कनेक्ट करोगे तो लिटरली यार लोग समझ, लोग आपकी आप क्या कहना चाह रहे हो वीडियो में ये समझ जाएंगे, एंड हैंस वो आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक डेफिनेटली करेंगे, जिसको क्लिक करना होगा, जो ये बात जानता ऑलरेडी, जो जिस अगर आपने कोई वीडियो डाली जिसके बारे में कोई बंदा ऑलरेडी जानता तो नहीं क्लिक करेगा, लेकिन जिसको एक्चुअल में वो चीज़ करनी है तो वो उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करेगा। वेल यार ये सब तो हो गया स्टेप वन, स्टेप टू मैंने कैसे थंबनेल बनाता हूँ, क्या कब बनाता हूँ और मैं अपनी थंबनेल्स को कैसे अपनी वीडियोस के साथ कनेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं थंबनेल को बनाता कैसे हूँ, आज की वीडियो का यही तो टॉपिक है ना। तो गाइस मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ कि मैं किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ अपने थंबनेल को बनाने के लिए। मैं यूज़ करता हूँ कैनवा का, कैनवा सॉफ्टवेयर का, जो कि मेरे पीसी में भी मैं यूज़ करता हूँ, एंड्रॉयड पे भी यूज़ करता हूँ। आजकल तो ज़्यादा मैं एंड्रॉयड पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैं निकल नहीं सकता है, लॉकडाउन लगा पड़ा है। बाकी गाइस मैं अपने कैनवा का यूज़ करता हूँ, एंड आज मोस्टली जितने भी मेरे यूट्यूब वीडियोज़ के थंबनेल्स हैं मैंने कैनवा पे ही बनाया है, वो भी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। एंड गाइस कैनवा के अंदर ही मैं अपने सारे थंबनेल्स बनाता हूँ यूट्यूब वीडियोज़ के, एंड लिटरली बता रहा हूँ ये चीज़ बहुत मतलब बहुत अच्छा एप्लीकेशन है एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी, कंप्यूटर यूज़र्स के लिए भी, और ये बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई भी तुम्हें प्रोफेशनल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आपका थंबनेल अच्छा बन जाएगा, बस अब अपना थोड़ा आइडिया लगाओ एंड आपको थंबनेल बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। एंड मैं भी इसका यूज़ करता हूँ, तो मैं इसके अंदर जैसे कोई भी एलिमेंट्स हैं, फोटोज़ हैं, टेक्स्ट की चीज़ मुझे चाहिए, तो मैं कैनवा में डायरेक्टली सर्च करके कैनवा मुझे उस सब कुछ बहुत सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड कर देगा। जैसे मान लो मैं ग्राफिक कार्ड के बारे में सर्च करूँ तो मुझे 100, 200, 300, 1000 इमेजेस मिल जाएंगी ग्राफिक कार्ड के ऊपर, एनिमेटेड रियल ग्राफिक कार्ड की इमेजेस या फिर स्केच ग्राफिक कार्ड्स के, बहुत सारे ऑप्शंस मुझे मिल जाएंगे कैनवा के ऊपर। और साथ ही साथ में गाइज अगर मैं चाहूँ तो किसी फोटो को भी सर्च कर सकता हूँ, और जैसे मान लो यार मैं अपने थंबनेल में कोई ऐसी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने फ़ोन के गैलरी में सेव्ड है, फ़ोन के फोटोज़ वाली गैलरी, जो मेरे फ़ोन की फाइल्स में सेव्ड है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ वहाँ पे, मैं अपनी उस फोटो को अपलोड या वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ कैनवा में, आप चाहो तो छोटी मोटी वीडियोज़ को भी एडिट कर सकते हो। सो गाइज मैं कुछ इस तरह से अपने, मुझे बिल्कुल गाइज टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, मैं खाली अपने एलिमेंट्स सर्च करता हूँ, मुझे एलिमेंट्स देता है कैनवा, एंड मैं उन्हीं को यूज़ करता हूँ। एंड गाइस साथ ही साथ मैं एक और बात बता दूँ, मैं कैनवा का प्रीमियम यूज़र नहीं हूँ। कभी तुम लोग बोलोगे यार प्रीमियम यूज़र, एक्चुअल में नॉर्मल यूज़र हूँ कैनवा का, मैं प्रीमियम यूज़ नहीं करता हूँ, फिर भी मैं इतने अच्छे थंबनेल बना पा रहा हूँ, तो आप लोगों को इस वीडियो में आगे चल के मैं बताऊँगा मैं कैसे करता हूँ। वैसे कैनवा के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ प्रीमियम यूज़र्स के होते हैं, कुछ फोटोज एलिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ जो लोग प्रीमियम यूज़र हैं कैनवा के वही लोग यूज़ कर सकते हैं। बट मैं तो गाइस क्या करता हूँ, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है तो मैं उसे कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं गाइस क्या करता हूँ गूगल पे उस एलिमेंट के ऊपर सर्च करता हूँ, एंड गूगल से मैं उसकी इमेज को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में कैनवा पे लगा देता हूँ अपने थंबनेल्स में। देखा दिमाग, जी हाँ गाइस मैं इस दिमाग का यूज़ करता हूँ उन वीडियोस को, उन एलिमेंट्स को जो कैनवा प्रीमियम में देता है, उनको मैं गूगल पे सर्च करके डाल देता हूँ। वैसे तुम लोग करना मत, गूगल पे तो मिलती नहीं है वो बिल्कुल एलिमेंट्स। वेल क्या गाइस मैं कम्प्लीटली अपने थंबनेल्स को कैनवा के ऊपर ही बनाता हूँ, नहीं मैं गाइस कम्प्लीटली कैनवा के ही एलिमेंट्स और फोटोज़ का यूज़ नहीं करता हूँ। कुछ ऐसे एलिमेंट्स और फोटोज़ होती हैं जो मैं अपने फ़ोन के अंदर से ले निकालता हूँ, यानी कि अपने ब्राउज़र पे गूगल पे सर्च करके उन इमेजेस को अपने फ़ोन में डाउनलोड करता हूँ। क्योंकि गाइस तुम लोगों को करंटली जो थंबनेल अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इस थंबनेल व्हाट इज़ अ ग्राफिक कार्ड, इस वाली वीडियो में जो थंबनेल है आप लोग देख सकते हो, इस पर मैंने दो ग्राफिक कार्ड्स की एलिमेंट्स है, यानी कि एक ग्राफिक कार्ड का स्केच है और एक ग्राफिक कार्ड की ऐसी पिक्चर है, एनिमेटेड पिक्चर है, एंड साथ ही साथ में एक बैकग्राउंड और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट इज़। अब जो कुछ तुम लोग को इसमें स्केच दिख रहा है ना ग्राफिक कार्ड का, ये बेसिकली कैनवा का नहीं है, ये बेसिकली मैंने अपने मैंने गूगल पे इसे डाउनलोड करा था, एंड फिर मैंने इसे कैनवा में एलिमेंट्स के तौर पे यूज़ करा अपलोड करके, क्योंकि कैनवा में ऑप्शन रहता है कि आप अपने फ़ोन की गैलरी में से कोई भी इमेज वगैरह को अपने फोटोज़ में यूज़ कर सकते हो, कैनवा में यूज़ कर सकते हो। लेकिन गाइस अभी गाइस कभी कभार क्या होता है, जब आप गूगल से कोई भी फ़ोटो वगैरह डाउनलोड करते हो तो ऐसे में उनके ऊपर एक वाइट कलर का बैकग्राउंड आ जाता है, यार वो बैकग्राउंड आप कैसे हटाओगे। इसके लिए गाइस मैं एक और ऐप का यूज़ करता हूँ जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। इससे मैं अपने जो भी उन फोटोज़ का जो बैकग्राउंड होता है वाइट कलर का बैकग्राउंड, प्लेन वाइट बैकग्राउंड,
ये सब मैं उन फोटोज़ का हटा देता हूँ बहुत आराम से, सिंगल क्लिक में भी हट जाता है कभी कभार, कभी कभार ऐसे इरेज करना पड़ता है तब जाके हटता है, बट यह बहुत अच्छा ऐप है, मैं इसका भी यूज़ करता हूँ। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जो भी मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ अपने कैनवा के भी, बैकग्राउंड इरेजर, सभी के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मिल जाएंगी। बट अब कैनवा में एक प्रॉब्लम है जिसमें, जो कि बहुत ही बेकार प्रॉब्लम है, वो ये है कि कैनवा में हायर रिजोल्यूशन यानी कि बिल्कुल टॉप की बिल्कुल अच्छी हाई क्वालिटी इमेजेस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हाई क्वालिटी इमेजेस को डाउनलोड नहीं कर सकते। सो अब आपको यहाँ पे क्या करना है। सो गाइस मैं पता है गाइस क्या करता हूँ, मैं जैसे मान लो मैंने अपना पूरा थंबनेल बनाया, तो मैं इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेता हूँ थंबनेल को कैनवा से, एंड फिर मैं उसी थंबनेल को वापस अपने कैनवा ऐप में, मैं उस थंबनेल को वापस इंपोर्ट करवाता हूँ अपने फ़ोन से कैनवा में वापस, एंड इसके बाद में गाइस क्या होता है, मैं उस थंबनेल का जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो बढ़ा देता हूँ। यह गाइस कॉन्ट्रास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैनवा में, क्योंकि अगर मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, इससे गाइस क्या होता है कि जो थंबनेल है वो उभर के आता है, वो बिल्कुल अच्छा लगता है थंबनेल, तो इसलिए मैं उनका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, एंड थंबनेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बढ़िया बन जाता है। मेरी यूट्यूब वीडियोज़ का थंबनेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है क्योंकि वो तब उभर के आता है थंबनेल। एंड गाइस ये ट्रिक से मैं अपना आराम से कैनवा पे थंबनेल वगैरह बना देता हूँ, बट क्या होगा है? एंड इस ऐसी गाइस मैं अपने थंबनेल वगैरह यूट्यूब वीडियोज़ के लिए बनाता हूँ कैनवा के ऊपर, लेकिन तुम लोग तो जानते हो कि यार यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर गाइस कई बार क्लिकबेट थंबनेल्स भी होते हैं, यानी कि कई सारी वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे जो थंबनेल्स वगैरह तो ऐसे डालते हैं जिससे लोगों को लगता है कि यार इसने काम करा, लेकिन वो क्लिकबेट कर देते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई जेन्युइन चीज़ भी दिखा रहा है ना, और तब भी लोग इसके ऊपर क्लिक नहीं करते। जी हाँ गाइस, नहीं करते। तुम लोग तो गाइस यूट्यूब पे जानते ही होगे ना कि यार बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं या बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो कि फेक वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि मान लो कोई गेम है जो कि पेड है, उसको फ्री में कैसे डाउनलोड करना होता है, इसके ऊपर वो एक फेक वीडियो बना देते हैं, उसका थंबनेल ऐसा बनाते हैं जैसे कि सही में उन्होंने वो गेम डाउनलोड करा होता है, एंड फिर उससे क्या होता है लोग उस पर क्लिक करते हैं, बट वो लोग क्लिकबेट कर देते हैं लोगों को, वो लोग फेक चीज़ दिखाते हैं कि यार ऐसे ऐसे करा मैंने डाउनलोड करा, क्लिकबेट कर देते हैं। इसलिए गाइस कई बार क्या होता है कुछ, लेकिन ऐसे में क्या होता है कई सारी जो जेन्युइन वीडियोस होती हैं जिन्होंने एक्चुअली में बताया होता है कि यार ये गेम कैसे डाउनलोड करना है, ये जेन्युइन वीडियोस भी इनके पीछे छुप जाते हैं, लोग इन पे भी यकीन नहीं करते। आप बोलोगे तो यार लोगों को यकीन कैसे दिलवाए, थंबनेल्स की मदद से। जी हाँ गाइस, जेन्युइन कंटेंट भी है, लेकिन अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है तो लोग इसके ऊपर क्लिक नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है यार थंबनेल अच्छा नहीं, क्लिकबेट होगा। तो इसलिए गाइस आप लोगों को क्या करना है कि आपका जो वीडियोज़ हैं वो जेन्युइन है, और आपको क्या करना है कि वो लोग उसके ऊपर क्लिक करें। वेल, प्रोवाइडिंग देम द प्रूफ्स इन द थंबनेल्स। वेल गाइस देखो, कई लोग क्या करते हैं टाइटल के अंदर प्रूफ लिख देते हैं या थंबनेल्स के ऊपर प्रूफ लिख देते हैं, इससे कुछ काम नहीं बनता है, उनको एक जेन्युइन प्रूफ दिखाना होता है। जैसे कि गाइस मैं तुम लोग को इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। इस वीडियो में मैंने बेसिकली बताया कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में शेडर्स कैसे डाल सकते हो आरटीएक्स के साथ में। इस वीडियो में आप इसके जो थंबनेल आप देख सकते हो, मैंने बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन करा हुआ है, एंड साथ ही साथ में गाइस मैंने इसके अंदर जो है दो स्क्रीनशॉट डाले हैं। माइनक्राफ्ट के बिफोर में मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें माइनक्राफ्ट में शेडर्स नहीं है, एंड आफ्टर में भी मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें माइनक्राफ्ट में शेडर्स हैं, जिससे लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ मैं सही में बता रहा हूँ कि हाँ मैंने सही में इसके अंदर शेडर्स डाले हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। साथ ही साथ में मैंने इसमें आरटीएक्स ग्राफिक्स का भी यूज़ करा हुआ है, तो इसलिए गाइस लोग मेरे इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। वेल, अब गाइस एक और इशू होता है गाइस कभी कभार, जो कि मतलब किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर से आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो होता है स्मॉल साइज ऑफ द थंबनेल्स। गाइस आप लोग तो जानते हो यार बहुत थंबनेल्स के लिए आपको यार बहुत छोटी जगह, बिल्कुल इतनी सी छोटी सी जगह मिलती है कि यार इसी छोटी जगह में आपको पूरा इमेजेस, थंबनेल, टाइटल, जो भी टेक्स्ट वेक्स घुसेड़ना होता है। तो ऐसे में गाइस आप लोग क्या कर सकते हो जिससे कि कम जगह में भी आप एक अच्छा थंबनेल बना सको। वेल, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको मेरी एक वीडियो से। आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने बताया हाउ टू क्रिएट अ वेरीफाइड यूट्यूब चैनल इन 2021। एंड इस वीडियो के अंदर आपको देख सकते हो जो इसका मैं थंबनेल है, मैंने इस पर दिखाया हुआ है क्रिएट अ, मैंने इस थंबनेल में ऊपर की साइड में क्रिएट लिखा हुआ है एक टेक्स्ट में, और साइड में नीचे मैंने यूट्यूब का एक आइकन दे दिया, यानी कि यूट्यूब करके लिखा हुआ एक मैंने यूट्यूब का सिंबल या लोगो दे दिया है, एंड साथ ही साथ में मैंने साइड में वेरीफाइड भी लिखा हुआ है, एंड मैंने उस यूट्यूब लोगो के ऊपर भी वेरिफिकेशन मार्क डाला हुआ है अब, और साथ ही साथ मैंने नीचे चैनल लिखा हुआ है। अब इससे गाइस क्या होगा, जैसे कोई भी बंदा रीड करता है मेरे टाइटल को हाउ टू क्रिएट अ वेरीफाइड यूट्यूब चैनल, और फिर गाइस वो थंबनेल को भी देखता है कि हाउ टू क्रिएट अ, अब इससे गाइस क्या हुआ,
मैंने अपना स्पेस कम कर लिया। अगर जस्ट सोचो गाइस, अगर मैं यहाँ पे लिखता हाउ टू क्रिएट अ वेरीफाइड यूट्यूब चैनल, टेक्स्ट में थंबनेल कंजेस्टेड हो जाता है जिससे मुझे वर्ड्स छोटे करने पड़ते। एंड जो लोग अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर एंड्रॉयड पे, जो लोग भी एंड्रॉयड वगैरह के जो यूज़र मैं थंबनेल देखते हैं, उनको काफ़ी छोटा दिखता वो थंबनेल, है ना, काफ़ी छोटा दिखता वो थंबनेल। एंड इसीलिए गाइस मैंने गाइस क्या करा, वो लोग पढ़ नहीं पाते कि मैंने क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसीलिए गाइस मैंने क्या करा, इसमें क्रिएट अ वेरीफाइड यूट्यूब चैनल लिख दिया, पूरा थंबनेल ही मैंने लिख दिया, जिसपे मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वेरीफिकेशन टिक मार्क डाला और साइड में लिखा वेरीफाइड, क्योंकि क्या गारंटी है ना कि किसको पता हो कि इस चीज़ को वेरीफाइड टिक मार्क कहते हैं या वेरीफिकेशन टिक मार्क कहते हैं या वेरीफिकेशन टिक मार्क कहते हैं, लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं साइड में लिख दिया वेरीफाइड। एंड हैंस इससे गाइस क्या हुआ, लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड लोगों को साथ ही साथ थंबनेल भी अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि अट्रैक्टिव तो लग ही रहा है क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैंने वेरीफिकेशन टिक मार्क भी डाल दिया, जिससे लोगों को यकीन हो जाएगा या लोगों को जिससे यकीन हो जाएगा कि हाँ मैं कुछ तो बता रहा हूँ, कि मैंने इसमें बताया है कि मैं अपनी वीडियोस अपने वेरीफाइड यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर कैसे क्रिएट करना है। एंड हैंस लोग मेरी इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। बाकी गाइस आज के लिए बस खाली इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के साथ में डेफिनेटली यार प्लीज कर देना। आज की वीडियो काफी मजेदार बनी, अगर आप लोगों का कुछ भी आइडिया मिला हो, गाइस आप लोगों को कोई भी आइडिया मिला कि आप लोग कैसे अपने यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना अगर आपको कोई भी हेल्प मिली इस वीडियो से। और साथ ही साथ में गाइस मुझे सजेस्ट, अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी इस वीडियो में, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को रिप्लाई दे सकूं। बाकी गाइस आज के लिए बस खाली इतना ही था, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक और बात, हमने अपने चैनल पे 300 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर दिए हैं, तो यार इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर यू गाइस, अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखना। बाकी गाइस बस मैं चला, मिलता हूँ अगली वीडियो को रिकॉर्ड करने। गुड बाय।